गाइस अभी अभी सबसे बड़ी खबर ये आ रहा है कि पबजी समेत 118 एप्लीकेशन 40 एप्लीकेशन कर दिया गया है ऑफिशियली बैन इंडिया पर। तो गाइस अभी जितने भी पबजी प्लेयर्स हैं जो कि गेम्स वगैरह खेल रहे थे, इन पर पैसे लगा रहे थे, उनके हालत कुछ इस तरह है। गाइज अभी यहाँ पर पबजी बैन क्यों हुआ, क्योंकि गाइज इसका जो कंपनी है, जो टेंसेंट कंपनी था, वो टेंसेंट कंपनी गाइज चाइना से था। अभी यहाँ पर क्या हुआ कि टेंसेंट से जुड़ा जितने भी, टेंसेंट से छोटा भी अगर जुड़ा है नाता जिस गेम का, जिस कंपनी का या फिर जिस एप्लीकेशन का आप बोल सकते हैं, उन सभी को गाइज यहाँ पर बैन कर दिया गया है। 118 एप्लीकेशन यहाँ पर गाइज बैन कर दिया गया है। गाइज अभी जो आप लिस्ट देख पा रहे होंगे, ये वही एप्लीकेशन 118 एप्लीकेशन से जो कि इंडिया पर ऑफिशियली गाइज अभी अभी बैन कर दिया गया है। अपने एक रिसेंट वीडियोस पर बताया था कि पबजी बैन नहीं होगा, कि पबजी के ऊपर जो भी काले बादल मंडरा रहे थे वो अभी साफ हो चुके हैं। गाइस मैंने ये नहीं बोला था कि पबजी बैन नहीं होगा, मैंने बोला था कि हो सकता है कि पबजी बैन हो जाए, और गाइस यहाँ पर वही हुआ। पबजी के जो काले बादल साफ हो गए थे, फिर अचानक से गाइस बाढ़ ही आ गया पबजी के ऊपर, जो कि पबजी को बैन कर दिया। लेकिन गाइस अगर इसकी वापसी की बात करें कि पबजी के यूजर्स इंडिया पर बहुत ज्यादा थे, तो ये भी हो सकता है गाइस पबजी बैन हुआ क्योंकि इसके जो टेंसेंट कंपनी था वो चाइना से था। ये भी हो सकता है कि पबजी कुछ और भी कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन करके फिर से वापस आ जाए, लेकिन दिखते हैं क्या होता है। तो गाइस अभी ये थर्ड टाइम हुआ है, इसके पहले दो दो बार पबजी बैन होकर भी फिर से वापस आ चुका है। लेकिन गाइस इस बार कुछ अलग सा किया गया है, पबजी को ऑफिशियल तरीके से बैन कर दिया गया है। लेकिन दिखते हैं, हो सकता है कि ये टेंसेंट को छोड़कर कुछ और भी कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन करके वापस आ जाए। तो गाइस ये थी आज का एक छोटा सा अपडेट। आप इस वीडियो को आपके पबजी लवर्स फैंस के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिए, नए हो तो चैनल पर जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूंगा आपको एक और वीडियो के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय।